तनवीर, ये तुम्हारा फोन बार बार रिंग कर रहा था, मैंने उठा लिया। लाइन क्लियर नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आया, शायद तुम्हारे फैक्ट्री के मास्टर जी का फोन था। मैंने उन्हें लैंडलाइन नंबर दे दिया है, उन्हें तुमसे कोई अर्जेंट बात करनी है, तुम देख लेना। लैंडलाइन? अगर किसी और ने फोन उठा लिया तो मेरा खेल खत्म। इससे पहले कि उनका फोन आए मुझे उनको फोन कर लेना चाहिए। So childish. सुन लिया मैंने। कहाँ जा रही हैं मिस फारूकी? वो बड़ी मस्जिद के पास, शायद आज अब्बू के बारे में कुछ पता चल जाए। अब उस रोज भी वहां गई थी, कुछ पता चला? जी नहीं, पर इंशाल्लाह आज जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ओके, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। मेरा मतलब, अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो मालूमात करने में आसानी होगी। आपके अब्बू के बारे में पता करने के लिए हमारे चांसेस बेटर हो जाएंगे। एक्चुअली मैं आज बहुत मसरूफ हूँ तो मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, और आप तो माशाल्लाह सब कुछ खुद कर लेती हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने साथ चलने की बात की क्यों थी? हाँ, मैं बस देखिए मिस्टर खान, या तो आपको मेरे साथ आना है या आपको मेरे साथ नहीं आना है, लेकिन अब बोलने से पहले ये तय क्यों नहीं कर लेते कि आपको कहना क्या है? आप हमेशा इतने अनश्योर रहते हैं तो बोलते ही क्यों हैं? आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते ना? रियली? और आप फैसला ले सकती हैं? ऑफ कोर्स मैं ले सकती हूँ मिस्टर खान। आपको क्या लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ? मैं ऐसी हूँ ही नहीं, ओके? क्या मैं ऐसी हूँ? देखिए, आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, और मैंने अब भी फैसला कर लिया कि आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, ओके? चीप लड़की है, हेल्प करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। बाल काट दिए? कैसे? पता नहीं कैसे, जब मैं सोई तो दोनों तरफ के बाल बराबर थे, जब उठी तो मालूम हुआ कि एक तरफ के बाल छोटे हो गए। खुदा खैर करे शिरीन, आखिर हो क्या रहा है? सच कहूं तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो ना, पहले तुम्हारे बैग में किसी ने नींबू रख दिया, और अब तुम्हारे हो ना हो शिरीन, कोई तुम पर काला जादू कर रहा है। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए,
मत कहिए, अल्लाह जाने अब क्या होगा। मुझे तो लगता है शिरीन के हसीना बिल्कुल सही कह रही थी, ये काला जादू बहुत खतरनाक होता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, काला जादू कोई कर कैसे सकता है? देखो ना, बाहर से आके कोई तुम्हारे बैग में नींबू कैसे रख सकता है, और बाहर से आके बाल कैसे काट सकता है? वही तो, कैसे ऐसा हो सकता है भाभी? ये तो सिर्फ तब मुमकिन है जब काला जादू कोई बाहर से आकर नहीं घर के अंदर से ही कर रहा हो। क्या हुआ? वाहिद, ये लो कैंची। पूरा घर आसमान पर उठा रखा, कैंची चाहिए, कैंची चाहिए, क्यों चाहिए? वो रजिया बी ने मंगवाई थी लेकिन अब नहीं चाहिए। अम्मी, अम्मी के हाथ में कैंची, लेकिन अम्मी ऐसा क्यों करेंगी भाभी? मुझे क्या पता शिरीन, लेकिन एक बात कहूं, बड़ी भी ना पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब अजीब हरकतें नहीं कर रही। देखो ना, पहले मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं उन्हें मारना चाहती हूँ, और बाद में खुद ही मेरी कितनी तारीफ करने लग गई। मुझे तो लग रहा है कि बड़ी बीना जहनी तौर पर कुछ ज्यादा ही परेशान है, और ऐसे में तो कुछ भी कर सकता है। बुढ़िया, तू मुझे घर से निकालने चली थी ना, अब तू देख मैं तुझे कैसे इस घर से धक्के दे दे कर निकलवाती हूँ। हेलो, जी जी आगे कहिए। मैं मास्टर बोल रहा हूँ, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। वो मेहता एंड सन्स का बड़ा वाला ऑर्डर तैयार हो गया है, आप कहें तो ऑर्डर भिजवा दूं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, सब खैरियत है, बाकी दो ऑर्डर भी इसी हफ्ते पूरे हो जाएंगे। अगर गलती से किसी ने मैसेज सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने फैक्ट्री की आग के बारे में झूठ बोला था। किसी भी तरह ये मैसेज डिलीट करना होगा। क्या हुआ तनु? वो एक फोन करना था, बहुत डिस्टरबेंस आ रही थी ना, तो इसीलिए चेक कर रही थी कि तार सही से लगे हुए हैं कि नहीं। दिखाओ, मैं चेक करता। नहीं नहीं, मैंने चेक कर लिया है, सब ठीक है। तनु, तुम भी ना, तुम अपना सेलफोन क्यों नहीं यूज करती? एक फोन करने के लिए तुम नीचे आई। इट्स ओके जामी। हाँ लेकिन आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है, आप जाइए। नहीं, एक्चुअली मुझे ऑफिस जाने से पहले घर पे कुछ काम खत्म करना है। ठीक है फिर। क्या बात है, तुम्हें फोन नहीं करना? बाद में कर लूंगी, अभी मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? कुछ पक्के से तो नहीं कह सकता, मगर हमारे ख्याल से ये नंबर उन्हीं साहब का है जो आपकी तस्वीर में थे, और इनके खानदान से हमारी पुरानी दुकान पे कोई ना कोई आता तो था, मगर अब हम भी पुराने हो गए हैं और हमारे कागजात भी। खैर अंकल, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे कोई तो नंबर मिला। हाँ,
मगर ये नंबर भी 15-20 साल पुराना है, क्या पता चलता भी है या नहीं। ओ, वो अंकल मैं टेलीफोन एक्सचेंज से पता कर लूंगी। इंशाल्लाह मैं अपनी मंजिल तक पहुंच के ही रहूंगी। अंकल आप जानते नहीं हैं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। असद भाई ने अभी भी मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। अरे दामाद जी ये देखिए ना, ये अंगूठी आपको पसंद है? मेरी भी यही राय थी, कुछ खास नहीं है ना, वो पहले जल्दबाजी में अच्छी चीज नहीं आ पाई, लेकिन इस बार तो हमारे पास बहुत वक्त है, इससे कहीं बेहतर बड़ी अंगूठी लाऊंगी मैं अपने दामाद के लिए। और आपको ये भी बताना था कि हुमैरा का जो निकाह का जोड़ा है ना, वो मैं पुराने बाजार से बनवा रही हूँ, एकदम असली सोने के तारों की कढ़ाई होगी उसमें। और वो अलीगढ़ में तस्वीर महल सिनेमा है ना, उसके पीछे जो टेलर है, अरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन शेरवानी बनाता है वो, उसी से आपकी शेरवानी भी सिलवा देंगे, एकदम झक सफेद। माशाल्लाह आप जैसा दूल्हा तो दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। इस तरह लड़कियों की तरह रूठे रहने से कुछ नहीं होगा यान्मिया। मैंने आपसे कहा था ना कि हसीना और मेहमानों के सामने आपको ये दिखाना है कि आप इस निकाह के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन आपने मेरा कहा नहीं माना। बाखुदा बहुत बुरा लगा था, लेकिन आप हमारे होने वाले दामाद हैं, एक मौका तो और देना ही पड़ेगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना अयान, वरना बहुत मुश्किल होगी। अब तुम चाहे कितना भी गुस्सा दिखा लो, तुम करोगे वही जो मैं चाहूंगी। हे तनवीर, तनवीर मेरे लिए कोई लैंडलाइन नंबर पे कॉल आया था क्या? नहीं। अरे बड़ी अजीब बात है, टेलीफोन एक्सचेंज से लैंडलाइन नंबर पे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोन आना था। शाहरुखी हम लोग बहरे नहीं हैं, फोन आया होता तो हम लोग सुन लेते। आपको क्या खाक सुनाई देता? कुछ कहा आपने? नहीं, मैं क्यों कुछ कहूंगी, लेकिन उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो कॉल करेंगे। और टेलीफोन एक्सचेंज वाले अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। मिस्टर खान मैं आपको बता रही हूँ ना, फोन नहीं तो कम से कम वॉइस मैसेज तो आया ही होगा। वेट मैं चेक करती हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो तनवीर भी, मैं मास्टर बोल रहा हूँ, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। सॉरी जोया, मैं तो बस तुम्हारे लिए पानी लाने गई थी। इट्स ओके, तुम रहने दो मैं कर देती हूँ। क्या हुआ? मिस्टर खान कुछ नहीं, वो मैं जोया के लिए पानी लेने गई थी, मैं पानी लेकर आई और तभी वो पलट गई और मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। आप जहां भी होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। आई होप वो मैसेज डिलीट ना हुआ हो, वो तुम्हारे लिए था तनवीर। वेट मैं चेक करती हूँ। अल्लाह मियां, मैसेज डिलीट कैसे हो गया? हो सकता है कि गलती से कोई बटन दब गया हो, वैसे भी मेरी बात उनसे हो गई थी। मेरे टेलर मास्टर का मैसेज आया था, वो बता रहे थे कि जो पैसे मैंने उनको भेजे हैं वो उन्हें मिल गए हैं, मेरी फैक्ट्री तो नहीं रही।
पर मैं अपने गरीब कारीगरों को इसका खामियाजा नहीं भुगतने दे सकती, इसीलिए मैंने उनके लिए दो दो महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भिजवा दी थी। खैर जोया, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, इनके फ्रेम बनवाने। जी। अच्छा, ये जो तस्वीर है ना, इसे पहले बड़ा करना है, उसके बाद फ्रेम करना। और ध्यान रखिएगा, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, बहुत पुरानी तस्वीर है। आप बिल्कुल भी फिकर मत कीजिए। लेकिन ये तस्वीर मैंने पहले कहीं देखी है। अरे मियाँ, मैंने कहा ना, बहुत पुरानी तस्वीर है, आपने कोई और तस्वीर देखी होगी। जी नहीं, मैंने यही तस्वीर देखी है, लेकिन कहाँ देखी है। अरे हाँ, आज ही तो एक मोहतरमा यह तस्वीर लेकर मेरे पास फोटो फ्रेम बनाने के लिए लाई थी। कह रही थी कि इस तस्वीर में से किसी की तलाश है उन्हें। क्या आप गौर से देखिए, आपको पक्का पता है यही तस्वीर? 100% यही थी, लेकिन थोड़ी धुंधली और पुरानी जरूर थी, मगर तस्वीर यही थी। कौन थी वो? कच्ची उम्र की लड़की थी, यही कोई 20-21 साल की होगी। लोगों को ये फोटो दिखा दिखा कर इस फोटो में से इनके बारे में दरियाफ्त कर रही थी। आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। देखिए, हो सकता है मैं जो कुछ आपसे कहने जा रही हूँ वो आपको बहुत अजीब लगे। मैं यहाँ अपने अब्बू को ढूंढ रही हूँ और उसी तलाश में मुझे ये नंबर मिला है। क्या आप मुझे बता सकती हैं ये किसका घर है? मैं अमेरिका से यहाँ सिर्फ अपने अब्बू को ढूंढने आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए, ये घर हमने कुछ बरस पहले ही खरीदा है और मुझे लगता है आप शायद इसके पहले मालिक को ढूंढ रही हैं। आप इस घर में कब आए? बस 10 बरस हुए हैं। देखिए, जो यहाँ के पहले मालिक थे उनके बारे में हमें तो कोई मालूमात है नहीं। माफ कीजिएगा, आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं, हेलो, क्या बात है रजिया? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जी कुछ नहीं, फ्रेम वाला है, मैं उसे रवाना करके आती हूँ। ठीक है। हेलो,